हेलो दोस्तों, आज मैं नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खीर बनाने जा रही हूँ। देखिए, साबूदाने की खीर बनाने के लिए 1 कप साबूदाना लिए हैं। साबूदाने को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए, इसे एक बाउल में डालकर, देखिए इसे अच्छी तरह से धो लेना है। देखिए दोस्तों, इसमें स्टार्च बहुत होता है, इसे 3-4 बार धो लेना है जब तक पानी पूरी तरह से क्लीन ना हो जाए। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। देखिए, रंग क्लीन हो गया है। ये छोटे साइज का साबूदाना है, एक बड़े साइज में भी आता है। अब इसमें पानी डाल देंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी डालना है जिसमें साबूदाना डूब जाए। बस देखिए, ज्यादा पानी डालने से फिर चिपचिपी हो जाएगी आपकी खीर, इसलिए ज्यादा नहीं। देखिए, बस इतना डूबने तक ही पानी डाले हैं। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। साबूदाना फूल रहा है तब तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। देखिए, कढ़ाई में घी डाल दिए हैं। काजू बादाम को पहले फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके खीर में डालने से खीर का स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए जब भी आप खीर बनाएं काजू बादाम को हमेशा फ्राई कर लें। काजू बादाम फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। किशमिश को भी डाल लेंगे, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। घी में जाते ही किशमिश भी फूल चुका है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। साबूदाना एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, पूरा पानी सोख लिया साबूदाना। देखिए दोस्तों, फूल चुका है ये। दूध में जाकर ये और अच्छी तरह से फूल जाएगा। देखिए, पानी हिसाब से डाल लेते हैं। ज्यादा पानी डालने से वो ये चिपचिपी लसलसी हो जाती है, इसलिए पानी आप हिसाब से डालें जब फुलाने के लिए डालें। तो साबूदाना को घी में फ्राई कर लेते हैं। इससे हमारा साबूदाना खिला खिला बनेगा। देखिए, घी में इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, इससे खीर का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। खिला खिला खीर बनेगा, चिपचिपी नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आप साबूदाने की खीर बनाएं, साबूदाने को घी में हल्का सा फ्राई कर लें। देखिए, और ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे। दोस्तों, 1 लीटर दूध लिए हैं। देखिए, दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिए हैं। दूध को पहले अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, अभी इसे साबूदाने में डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे साबूदाने का खीर बन रहा है। जब तक पक रहा है इसे हमेशा हिलाते रहे। देखिए, देखिए कितनी खिली खिली बनी है। 4 इलायची को कूट लिए हैं। इलायची पाउडर डाल देते हैं। दोस्तों देखिए, गर्म दूध में कैसे डाल दिए थे, अब इसे डाल देते हैं।
देखिए दोस्तों, खीर हमारा बन चुका है। देखिए कितना अच्छा टेस्टी खीर बना है, एकदम खिला खिला साबुदाने का खीर। देखिए एक एक दाना अलग अलग है, जरा भी चिपका हुआ नहीं है दोस्तों। बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो गया। अब इसमें देते हैं, देखिए दोस्तों अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से जितना मीठा खाते हो उतना आप डालें अपना अंदाज से। दोस्तों खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। देखिए देखिए दोस्तों कितना लजीज बना है, देखते ही मुंह में पानी आ जा रहा है, इतना टेस्टी बना है। आप भी इस नवरात्रि में बनाइए। देखिए खीर हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसे बॉल में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों दोस्तों ये हमारा साबुदाने का खीर बनकर तैयार हो गया। आप भी इस नवरात्रि में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।